गुड इवनिंग फ्रेंड, एफोर्डेबल होम प्लान में आज पुनः उपस्थित हैं हम नए प्लान के साथ। आज का प्रपोज्ड साइट है आपका 22 फीट बाय 40 फीट का और रोड है आपको पश्चिम में। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम, डाइनिंग हॉल, किचन, लेटरिन बाथरूम, पूजा घर, स्टेयर केस और कार पार्किंग एरिया दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपके स्क्रीन पर आपके सामने। तो ये रहा प्लॉट साइज 22 फीट बाय 40 फीट, 22 फीट चौड़ाई में और 40 फीट लंबाई में। रोड से डेप्थ है प्लॉट का 40 फीट और विड्थ है फेसिंग रोड 22 फीट। बिल्ट अप एरिया इसमें लिया गया है 22 फीट बाय 32 फीट, पीछे 3 फीट और आगे 5 फीट जगह छोड़ दिया गया है। तो ये रहा आपका, ये देखिए यहाँ से 5 फीट छोड़ा हुआ है। इसके बाद में आपको राइट साइड में स्टेयर केस प्रोवाइड किया गया है। स्टेयर केस की चौड़ाई आपका 6 फीट है और इस साइड से आपका स्टेयर ऊपर चढ़ना शुरू होता है और उसके बाद में लैंडिंग होते हुए वापस लौटता है फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर लैंडिंग सर्कुलर प्रोवाइड किया गया है और इस हाफ सर्किल यहाँ से यहाँ तक में, तो इसका आपका रेडियस आ रहा है 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक 3 और 3 6 फीट हो गया और ये गोलाई में जो है सो आपका 3 फीट के रेडियस में, और इससे बाहर आपका 5 इंची का कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड किया गया है जिस पर आपको यही आर्क के रूप में ही 4 फीट का वेंटिलेटर प्रोवाइड किया हुआ है। और उसके बाद में इसके आगे ये फर्स्ट यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है सीढ़ी, ये प्लेटफॉर्म, इसकी चौड़ाई आपका हो गया 9 फीट 11 इंच ऐसे और 3 फीट 8 इंच ऐसे है। और इस जगह पर आपको भीतर डाइनिंग हॉल में ये यहाँ पर एक टू वेंटिल, ये आपको विंडो प्रोवाइड किया गया है। विंडो का साइज है आपका 3 फीट बाय 4.5 फीट और ये डोर हो गया। डोर का आपका जो है सो चौड़ाई है 3.5 फीट और हाइट है आपका 7 फीट। ये दोनों देख रहे हैं, ये 15 इंची बाय 10 इंची, 15 इंची बाय 10 इंची, 15 इंची बाय 10 इंची का पिलर दिया हुआ है आपको और यहाँ 10 बाय 10 का पिलर है। फिर यहाँ फ्रंट में इस जगह पर आपका 10 बाय 10 का पिलर होगा और इस जगह पर 15 इंची बाय 10 इंची और यहाँ पर भी 15 इंची बाय 10 इंची। रूफ लेवल पर ये इस ढंग का आर्च में ही आपको निकाला हुआ है ये प्रोजेक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक में गोल किया हुआ है आर्क का। ये दोनों इस जगह से लेकर के इस जगह 1.5 फीट और इस जगह से इस जगह लेकर करके आपका 1.5 फीट बढ़ा हुआ है। और उसके बाद में जो है सो आपका ये देखिए यहाँ से इसकी जो है सो ये 12 फीट 8 इंची हो जा रहा है और उसके बाद में ये 1.5 फीट के बाद का ये इसमें जो गोलाई रखा गया है वो है आपका, ये देखिए ये आपका आ जा रहा है यहाँ से लेकर 3 फीट में, 3 फीट रखा हुआ है इस जगह से गोलाई में आपको। तो और उसके बाद में ये इसका पार्किंग एरिया का साइज आप देख रहे हैं 11.5 फीट 11 इंची है और ये इस जगह से इस जगह 12 फीट है। पूजा घर का आपका साइज है 6 फीट 7 इंची बाय आपको 6.5 फीट है ये। और उसके बाद में ये 3 फीट का कट छोड़ा हुआ है पूरा 6.5 फीट 1 इंची में है ये। और इसमें आपको तीनों इधर पूजा घर में भी W1 प्रोवाइड किया गया है, इस साइड भी W1 देख रखा हुआ है और पीछे भी W1 का साइज वही है 3 फीट बाय 4.5 फीट का। यहाँ पर भी डी है। बेडरूम का साइज आपका 10 फीट बाय 12 फीट, टॉयलेट का साइज है आपको 4 फीट बाय 7 फीट का। इस दोनों में D1 प्रोवाइड किया हुआ है, तो D1 का साइज यहाँ पर है 2.5 फीट बाय 7 फीट का। और इसे अगर D2 दिया हुआ है, D2 का साइज आपको 3 फीट बाय 7 फीट का। इस जगह पर आपका W 5 फीट बाय 4.5 फीट का, ये भी है 2.5 फीट बाय 1.5 फीट का, W1 है 3 फीट बाय 4.5 फीट का। तो ये था
ग्राउंड फ्लोर का प्लान एकदम बिल्कुल इसका सिमिलर है फर्स्ट फ्लोर में, सिर्फ बेडरूम आकर करके बढ़ जा रहा है एक आगे में पार्किंग एरिया वाला स्पेस में। 10.5 फीट बाय 12 फीट का ये बेडरूम है और इसके साथ में अटैच्ड आपका टॉयलेट आ जा रहा है जिसकी चौड़ाई 3 फीट 5 इंची है और ये यहाँ से यहाँ तक में आपका 8 फीट है। बाकी चीज़ आपका सिमिलर है। ये 10 बाय 10 का डाइनिंग हॉल, यहाँ पर भी 10 बाय 12 का बेडरूम, 4 बाय 7 फीट का आपका जो है सो टॉयलेट्स, ये टॉयलेट्स और ये 5 फीट 7 इंची बाय 7 फीट का किचन हो गया यहाँ। और इस जगह आपका बीच में ये इस जगह पर लिंटर हाइट पर ये आर्च देने से थोड़ा खूबसूरत लगेगा, ये इसी लेकर के इसको प्रोवाइड किया गया है यहाँ। और इसमें आप ग्रिल लगाइए, इस जगह पर ग्रिल लगेगा आयरन गेट। तो ये था और इस जगह आपका ये चौड़ाई हो गया 6 फीट बाय 3 फीट 8 इंची। तो ये था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह आप अपना रिक्वायरमेंट भेजते रहें और आपको समय से प्लान उपलब्ध होता रहे। तो थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो को अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।